हाय, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। एज अ वेलनेस कोच मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे रिगार्डिंग डिटॉक्सिफिकेशन। हमारा बॉडी में बहुत सारा टॉक्सिन बहुत रीजन से जमा होता है, लेकिन वो टॉक्सिन को रिलीज करना जरूरी होता है। क्यों टॉक्सिन को नहीं होता है? हमारा लाइफस्टाइल कुछ चीज़ खराब होते हैं, इसलिए टॉक्सिन जमा हो जाते हैं लेकिन वो निकल नहीं पाते। और ज़्यादा टॉक्सिन हो जाता है तो हमारा बॉडी में स्वेलिंग आ जाता है, स्किन थोड़ा सा डल हो जाता है, एनर्जी ड्रॉप हो जाता है। ये सारा चीज़ अगर आपका स्किन में, हेल्थ में आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा चेक कर सकते हैं जो आपका डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस वो सही हो रहा है कि नहीं। क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन मतलब आपका शरीर में जो गंदगी है जो निकलना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है, उसको निकलना, यही है डिटॉक्सिफिकेशन। और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कुछ प्रोसेस हम लोगों को फॉलो करना होता है। जैसे पानी एक अच्छा चीज़ है जो आपको सही तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। बहुत सारा चीज़ रहता है, जैसे कुछ फाइबर रहते हैं वो हमारा डिटॉक्सिफिकेशन में काम करते हैं। तो ये दो तीन चीज़ जो मैंने बताया वो आप कैसे फॉलो करेंगे, कैसे वो चीज़ को कंटिन्यू करके आप बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं, सारा रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देंगे। और उसके साथ साथ हमारा जो एनर्जी ड्रिंक एफ्रेश, उसका एक नया फ्लेवर आया है, उस दोनों मिक्स्ड करके एक नया फ्लेवर का टेस्ट कैसा है वो हम आपको समझाएंगे, सारा चीज़ आज आपको करेंगे। तो मैं जो एनर्जी ड्रिंक है उसके लिए दो तीन चीज़ लगेगा। एक है गर्म पानी, जो ऑलरेडी मैं गर्म करके रखा हूँ फ्लास्क में। उसके साथ ये हमारा नया फ्लेवर है कश्मीरी कावा। नॉर्मली कश्मीरी कावा फ्लेवर तो बढ़िया है, लेकिन उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें आपको कैलोरी का इश्यूज आ जाता है। लेकिन इसमें आपको नो कैलोरी है, नो शुगर है, तो कैलोरी का कोई टेंशन भी नहीं है, आप आराम से इसको पी सकते हैं। उसके साथ मैं दो फ्लेवर आज ऐड करेंगे, ऑलरेडी बता चुके हैं। इसके साथ ऐड करेंगे लेमन। लेमन होल ईयर वाला फ्लेवर आपको देते हैं, तो दो चीज़ पांच करके एक नया टेस्ट हम बनाएंगे। और ये आप कर सकते हैं और दूसरा कोई चीज़ के साथ भी कर सकते हैं। जैसे लीजिए, मैं थोड़ा सा ज़्यादा पीना चाहती हूँ क्योंकि सर्दी का मौसम है और गर्म एफ्रेश बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं। पहले देख लीजिए, ये है कावा वाला फ्लेवर। इसका वन स्पून मैं ले रही हूँ। ये है लेमन, इसका भी वन स्पून ले रही हूँ। नॉर्मली एक कप पानी में आप डेढ़ स्पून दे सकते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग थोड़ा सा लाइट लेना चाहते हैं, थोड़ा सा हेवी लेना चाहते हैं, तो आपका हिसाब से आप ले सकते हैं। कितना पानी आप ऐड करेंगे टोटली आपका ऊपर डिपेंड करेगा। इसके साथ गर्म पानी ऐड कर रही हूँ, आप देख रहे हैं, और इतना बढ़िया फ्लेवर हो रहा है ना, आपको पता, मैं फील कर रही हूँ कश्मीरी कावा का फ्लेवर के साथ लेमन मिक्स होके बहुत अमेजिंग एक स्मेल आ रहे हैं। मेरा मुंह में तो पानी आ गया। फिर बन गया हमारा एफ्रेश। अभी मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ एफ्रेश पीने से आपको क्या होगा। पहले तो डिटॉक्स होगा। डिटॉक्स मतलब आपका शरीर में जो ज्यादा गंदगी जमा हुआ है वो आराम से निकाल सकते हैं। और विंटर में स्पेशली हम जब पानी थोड़ा सा कम पीते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमारा थर्स्ट कम आता है, रिक्वायरमेंट लगता है कम है लेकिन कम नहीं होता है, इसलिए हम लोगों का प्रॉब्लम हो जाता है डिटॉक्सिफिकेशन में। हम लोग ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं पीते, स्पेशली विंटर में हम लोग पानी बहुत ही कम पीते हैं। तो इसको आप आराम से
थोड़ा सा इससे ज्यादा भी ले सकते हैं, जितना आप रिक्वायरमेंट है ले सकते हैं। तो आपका डिटॉक्सिफिकेशन होगा, उसमें साथ साथ आपको क्या क्या होगा, अलग अलग फ्लेवर है, जैसे लेमन है, जिंजर है, सिनेमन है, इलायची है, तुलसी है। तुलसी भी बहुत बढ़िया फ्लेवर है, इसका जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स तुलसी, इसका जो आयुर्वेदिक बेनिफिट वो भी आपको मिलेगा। ये सारा चीज आप घुमा फिरा के ले सकते हैं, मिक्स एंड मैच करके भी ले सकते हैं। और एक कश्मीरी कावा तो जस्ट लाजवाब है। उसमें क्या क्या बेनिफिट आपको मिलता है मैं बोल देती हूँ। जैसे इधर लिखा होता है 160 ml में आप 1 mg ले ग्राम ले सकते हैं, लेकिन आप कितना लेंगे आपका टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ऊंचा इधर उधर आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कैफीन है, कैफीन हमारा बॉडी का बहुत जरूरी एक इंग्रेडिएंट्स है, जिसमें हम लोग कैफीन ऐड करते हैं तो हमारा जो मेंटल अलर्टनेस, बहुत सारा लोगों को काम होता है सारा दिन कंप्यूटर में बैठ के काम करना होता है, और बहुत सारा लोगों को ऐसा भी होता है इधर उधर घूमने का काम होता है, ट्रैवल बहुत ज्यादा करना होता है, तो उन लोगों को जो फिजिकल और मेंटल अलर्टनेस के लिए जरूरी होता है, जो रात रात तक पढ़ाई करते हैं उसके लिए भी मेंटली अलर्ट होना चाहिए, थोड़ा सा थका थका जो रहते हैं उसको एनर्जी के लिए भी कैफीन बहुत जरूरी है। और कैफीन कितना है, जितना हमारा बॉडी में जरूरत है उस रिगार्डिंग ही कैफीन इधर जुड़ा हुआ है। हमारा बॉडी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कैफीन का जरूरत नहीं है, कैफीन का जरूरत बहुत ज्यादा है। और इसके साथ साथ दो चीज है, इसमें एनर्जी आपको मिलता है 352 कैलोरी मिलता है 100 ग्राम में, तो 1 ग्राम में आपको 3.52 कैलोरी आपको मिल रहा है। उसके साथ साथ प्रोटीन भी थोड़ा सा मिलता है, जैसे 0.05 मिलता है, बहुत ही कम है प्रोटीन का रिक्वायरमेंट के लिए नहीं। कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं, आपको इधर एक्स्ट्रा शुगर बिल्कुल नहीं है, तो ये सारा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो लिटिल बिट सोडियम है इसके कंपोजिशन में, और कैफीन है, जो कैफीन हमारा बॉडी का जरूरत है उस कैफीन आपको मिलता है। कैफीन कितना जरूरत है हमारा बॉडी में, एटा 40 mg कैफीन 1 ग्राम में आपको मिलता है, उतना ग्राम कैफीन में अब हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, जैसे 12 साल से छोटा जो बच्चा है वो उसमें उसको आप ये चीज दे नहीं सकते, और उसके साथ साथ जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें हम लोग ये चीज रेकमेंड नहीं कर सकते। तो एज अ वेलनेस कोच आपको एक ही मैं एडवाइस देंगे कि आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट बहुत सारा जो जहां पर ऑनलाइन सर्विस मिलता है उधर फेक प्रोडक्ट भी मिलता है, और विदाउट प्रॉपर गाइडेंस ये सारा चीज अगर आप लेंगे आपका हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि जो हेल्थ के लिए आप ये पैसा खर्चा कर रहे हैं अगर वही खराब हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए आप एज अ वेलनेस कोच जो हेल्प कर रहे हैं उसको आप उसके साथ कांटेक्ट करके ये चीज ले सकते हैं और खुद के लिए ये कंज्यूम कर सकते हैं। इसके साथ 2-3 और बेनिफिट मैं बोल देती हूँ, जैसे बॉडी का डिटॉक्स होता है तो हमारा स्किन में जो नेचुरल ग्लो आप देख सकते हैं, हमारा स्किन का जो नेचुरल ग्लो है पूरा नेचुरल है विदाउट मेकअप, और एवरीडे इसका डिटॉक्स हो रहा है तो स्किन का ग्लो बढ़ रहा है। इसका एंटी एजिंग का इफेक्ट है, जो बोलते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ बुढ़ापा मुझे नहीं चाहिए, उसका एंटी एजिंग का इफेक्ट रहेगा। डाइजेशन थोड़ा सा इम्प्रूव होता है, थोड़ा सा लाइट फील होता है बॉडी को, क्योंकि बॉडी में डिटॉक्स हो जाता है, बॉडी का गंदगी निकल जाता है, डाइजेशन इम्प्रूव होता है तो हमारा बॉडी थोड़ा सा हल्का हो जाता है, तो वेट लॉस में भी ये थोड़ा सा हेल्प करता है। तो ये 3-4 बेनिफिट मैंने बताया, और एनर्जी के लिए तो ये लाजवाब है। मैं टेस्ट कर रही हूँ, आप अगर मेरा साथ टेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर में मुझे कॉल कीजिए, आपको सारा प्रॉपर गाइडेंस के साथ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट एवरीथिंग मिल जाएगा, और अच्छा लगे तो कॉन्टेक्ट कीजिए मेरा साथ।